सभी को मेरा प्रणाम जी। आज हम उपस्थित हैं श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ के स्टूडियो में और यहाँ मेरे साथ विद्यमान है देश के विभिन्न स्थानों से, विभिन्न धार्मिक संस्थाओं से जुड़े हुए महानुभाव जो उच्च पदों पर स्थित हैं और मेरे साथ अध्यात्म के, धर्म के या सनातन के विभिन्न विषयों पर बात करने के लिए उपस्थित हैं। और मैं आज आप सबके सामने सनातन से या धर्म से जुड़े हुए कुछ प्रश्न लेकर के उपस्थित हुआ हूं और मैं चाहता हूं कि इस स्टूडियो के माध्यम से, श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ के यूट्यूब चैनल के माध्यम से वह जानकारी प्रत्येक जन तक पहुंचे। और विशेष रूप से क्योंकि मैं स्वयं भी उम्र की दृष्टि से मैं युवा हूं, तो मेरी जो टारगेट ऑडियंस है वो भी युवा ही रहती है। तो मैं आप सभी से भी आग्रह करूँगा कि विशेष रूप से युवाओं को ध्यान में रखते हुए आप सभी इन प्रश्नों के संबंध में या इन प्रश्नों के उत्तर आप प्रस्तुत करें। अब मैं सबसे पहले प्रश्न की तरफ बढ़ता हूं और श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ के संस्थापक पूज्य श्री राजन स्वामी जी से आग्रह करता हूं कि आप पहले प्रश्न के उत्तर से इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। पहला प्रश्न ये है कि स्वामी जी कि सनातन क्या है? सनातन का वास्तविक अर्थ होता है शाश्वत और शिष्ट के प्रारंभ से जो चला रहा है। सनातन कहलाने की शोभा केवल वेद को है, क्योंकि सांख्य दर्शन में कपिल ने कहा कि अपौरुषेयत्वम वेदानां तत्कर्तुः पुरुषस्य अभवत्। वेद को अपौरुषेय कहा है और सभी ऋषि मुनियों की मान्यता यह है, चाहे कोई कितना भी विद्वान हो लेकिन उसका कथन यदि वेद के विपरीत होता है तो मान्य नहीं होता। आदि शंकराचार्य का भी यही कथन है। ब्रह्मा से लेकर जैमिनी महर्षि पर्यंत तक सबका एक ही कथन है कि वेद अपौरुषेय है और चारों वेदों का कथन है कि वेद की रचना किसी व्यक्ति की नहीं है। शिष्ट के प्रारंभ में ये वेदों का ज्ञान चार ऋषियों के अंदर प्रकट होता है और महाप्रलय के पश्चात पुनः जब सृष्टि बनती है तब वेद का ज्ञान पुनः प्रकट होता है। इसलिए सब कुछ नष्ट हो जाता है, वेद का ज्ञान शाश्वत इसलिए माना जाता है। और वेद में स्वतः इसका प्रमाण है कि सूर्य चंद्रमा असोधाता यथा पूर्वम अकल्पत दिवम च पृथ्वी च अंतरिक्षम अथोसा। जैसे सूर्य चंद्रमा पृथ्वी की रचना हुई है, नई सृष्टि में पुनः ये रचना होती है और सृष्टि के प्रारंभ में जो सांकल्पिक सृष्टि पैदा होती है उसमें वेद का ज्ञान प्रकट होता है। उसकी व्याख्या में ऋषियों ने छह अंग बनाए, छह उपांग बनाए, चार उपवेद बनाए। इन कथनों में भी, चूंकि ऋषियों के बनाए हुए ग्रंथों में भी यदि कोई कथन किसी कारण से प्रायः होता नहीं है, क्योंकि ऋषि रितंबरा प्रज्ञा से ग्रंथ लिखते हैं, एक विद्वान में और ऋषि के कथन में यही अंतर होता है कि विद्वान अपनी पढ़ी हुई बुद्धि से कहता है और ऋषि समाधिस्थ प्रज्ञा से कहता है। इसलिए ऋषियों के कथनों में विरोधाभास नहीं होता। पौराणिक कथनों में विरोधाभास ये होता है कि व्यास उपाधिधारी भिन्न भिन्न विद्वानों ने बनाए हैं। तो भागवत के कथन या शिव पुराण के कथन और विष्णु पुराण के कथन, देवी भागवत के कथनों में विरोधाभास हो सकता है, लेकिन छह दर्शनों के रचनाकारों में विरोधाभास नहीं होता। हाँ, विद्वानों ने, आधुनिक विद्वानों ने छह दर्शनों में भी मतभिन्नता पैदा कर दी है। तो जो सनातन का अर्थ है कि जो मूल वेद जो कहता है वो अंतिम सत्य माना जाए, उसके ऊपर कोई प्रश्न न खड़ा किया जाए, लेकिन हाँ उसकी वेदार्थ की व्याख्या में भी मतभेद हो जाता है। जैसे मैं कहना चाहूंगा कि महाभारत काल के पश्चात जो महाभारत का युद्ध हुआ, सारे बड़े बड़े विद्वान मारे गए, जो गुरुकुल परंपरा थी उसका ह्रास हो गया। अब देखेंगे कि अष्टाध्यायी, महाभाष और कांस्य की रचना महाभारत के बाद होती है, क्योंकि प्राणिनि का जन्म भी महाभारत के पश्चात होता है। तो उन्होंने वेदार्थ को सुरक्षित रखने का प्रयास किया, पतंजलि ने अष्टाध्यायी की व्याख्या की महाभाष के रूप में। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, वाम मार्ग का प्रभाव बढ़ता गया और उसके प्रभाव में जो वेदों के अर्थ की प्रक्रिया थी वो विकृत होती गई। क्यों? रावण भी वेद का पंडित था, लेकिन रावण महर्षि नहीं कहला सकता, क्योंकि रावण समाधिस्थ प्रज्ञा को प्राप्त नहीं कर सकता। वेद को कंठस्थ कर लेना, उसके शब्दार्थ को करना सरल है, लेकिन समाधि अवस्था में मंत्रार्थ को दृष्टा होना कठिन होता है। जैसे विश्वामित्र केवल गायत्री मंत्र के दृष्टा माने जाते हैं। जिस जिस ऋषि ने समाधिस्थ होकर जिस मंत्र का अर्थ जाना है उसका नाम आज तक चला आता है। रावण का कई मंत्र दृष्टा ऋषियों में कहीं भी रावण का नाम नहीं है। रावण को 10 विद्याओं का पंडित कहा जाता है, लेकिन वो तमोगुणी प्राणी था, इसलिए उसको महर्षि की या ऋषि कहलाने की शोभा नहीं मिली और राक्षस राज ही कहलाया। तो जो महाभारत के काल के पश्चात जो बामार्गी थे, वेद मंत्र तो याद रखते थे, लेकिन वो वास्तविक से बामार्गी थे, अति दक्षिण मार्गी जो भक्ति है उसे विपरीत मार्ग में था, मांस शराब का सेवन करने वाला था। इसलिए
जो उल्टी व्याख्याएं हो गई। जैसे भागवत का एक प्रसंग आता है, पौराणिक आख्यायिका है, जैसे इंद्र और अहिल्या का प्रसंग है, तो इसमें कथा बना दी गई कि इंद्र ने अहिल्या का सतीत्व नष्ट किया। अब एक बात क्या है, रात्रि को अहिल्या कहते हैं, सूर्य को इंद्र कहते हैं, जब चंद्रमा सिकता से गमन करता है इसे उसको गौतम कहते हैं। सूर्य रूपी इंद्र जो है रात्रि रूपी अहिल्या का वर्णन करता है, ये अलंकारिक कथा है। अब इस कथा को भागवतकार ने गलत अर्थ में किया है। जैसे भागवत में कथा है कि ब्रह्मा जी का अपनी पुत्री सरस्वती पर गलत भावना आ गई, तो पुराणकार ने उसका अर्थ नहीं समझा है। ये कथा ब्राह्मण ग्रंथों में है, ऋग्वेद में है। ये रात्रि जैसे उषा है, सूर्य को इंद्र कहते हैं, जो उषा काल है, और उसका दृष्टांत देकर के ये वर्णन किया गया है। अब यह अलंकारिक वर्णन जो वेदों में लिखा था उसका वास्तविक अर्थ न समझने कारण 18 पुराणों के जो रचनाकार थे जिन्होंने ये विकृतियां फैला दी, तो आज पुराणों की जो भावना है उसके अनुसार शरणाचार्य ने भाष कर दिया है। ये जो और जो व्याख्याकार उवट हुए, महिधर हुए, अब उनके व्याख्या को आजकल ऑथेंटिक मानकर यदि हम पुराणिक मान्यताओं को थोपेंगे तो विरोधाभास हो जाएगा। जैसे मैं क्षमा चाहता हूँ पहले कहने से पहले, आप वेदांत के 555 सूत्रों में कहीं शालिग्राम शिवलिंग का तो वर्णन नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आज के शंकराचार्य शिवलिंग की स्थापना करेंगे, शालिग्राम की भी स्थापना करेंगे। 11 उपनिषदों में कहीं उसका वर्णन नहीं आता है, लेकिन 18 पुराण इन्हीं का समर्थन करेंगे, नवग्रह पूजा का समर्थन करेंगे। मूल वेद की संहिता में ये सारी बातें नहीं है। सनातन का अर्थ ये है जो मूल संहिता, जो ईश्वरीय ज्ञान है, वो कह रहा है वो अंतिम सत्य है। हाँ, ऋषियों के नाम से बहुत से ग्रंथ बना दिए गए, लेकिन वो सारी रचना महाभारत काल के पश्चात है। चार वेद, चार उपवेद, छह उपांग में जो ऋषियों ने कहा है, लेकिन उसकी साक्षी के लिए कपिल जी ने कहा है कि वेद की साक्षी होनी चाहिए। संहिता भाग की जब तक साक्षी नहीं मिलती कोई भी सिद्धांत माना नहीं जा सकता। अन्यथा देखिए 18 पुराण के 18 पुराण है, स्मृतियां 18 बन गई, और न जाने कितने कितने ग्रंथ बन गए जिसमें वेदों से कोई लेना देना ही नहीं। आप गीता को देखिए, गीता यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 2 मंत्रों की व्याख्या है। अब गीता पूर्णतः वैदिक ग्रंथ है, लेकिन आप गीता में भी देखें नवग्रह पूजा का कोई वर्णन नहीं होगा, शालिग्राम का वर्णन नहीं होगा, शिवलिंग पूजा का वर्णन नहीं होगा, देवी का पूजा का वर्णन नहीं होगा। गीता ने वही बात कही है जो योगेश्वर श्री कृष्ण ने, जैसे कहते हैं ना उनकी 16108 रानियां थी, वास्तविकता क्या थी कि 16108 ऋचाएं कंठस्थ थी। जैसे एक पति अपनी पत्नी से प्रेम करता है, वैसे योगेश्वर श्री कृष्ण को अपनी उन ऋचाओं से प्रेम था, उसके योगेश्वर थे, उनके चिंतन में रहते थे, और उन्होंने अर्जुन को तत्व ज्ञान का उपदेश दिया। तो आज यदि एक हिंदू से कहा जाए कि भाई गीता ये कहती है, तो जो जिन पौराणिक धाराओं में वो पढ़ा है वो कहेगा कि नहीं, हम तो इसी को मानेंगे, वो मानने को तैयार नहीं। आप कहिए कि वेद में लिखा है, वो कहते हैं कि हम वेद का सम्मान करते हैं लेकिन आपकी बात को नहीं मानेंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि वेद ईश्वरीय ज्ञान है, उस पर उंगली न उठाई जाए। जो वेद ने कह दिया, सबको अपनी सांप्रदायिक मान्यताओं को, अपने सांप्रदायिक ग्रंथों को किनारे करना चाहिए। संहिता भाग ईश्वरीय ज्ञान है, उसकी व्याख्या में मैं हूँ, कोई भी हो, कोई भी ऋषि मुनि हो, किसी से भी गलती हो सकती है, क्योंकि कोई भी अनंत ज्ञान वाला नहीं है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, केवल सत्य ज्ञान, अनंत ज्ञान केवल परमात्मा के पास है, और उसकी कृपा जिस पर होती है वही वास्तविकता को जानता है। इसलिए जैसे कठोपनिषद में यमाचार्य कहते हैं, यमा एवैष विवृढ़ते तेन लभ्य तस्य एष आत्मा विवृढ़ते स्वयं, परमात्मा जिसको वर्णन करता है वही उसको प्राप्त होता है। इसलिए वेद के कथन को हम अंतिम निर्णय माने, और जो सांप्रदायिक मान्यता है उसको हम किनारे करें। तो लेकिन हम सांप्रदायिक मान्यताओं को भी पोषित करते हैं और कहते हैं कि यही सनातन है, मेरा इससे मेल नहीं है, क्योंकि अंतिम कथन वेद का होना चाहिए। वेद कहता है कि ये करिए तो ये सत्य है, तो सत्य है, नहीं कहता है तो आप किसी पुराण का उदाहरण लाएंगे, स्मृति ग्रंथों का उदाहरण लाएंगे, इसका ग्रंथ इस ऋषि ने कहा, ऋषि ने नहीं कहा, ऋषियों के नाम से अपनी बातें मनवाई गई है, क्योंकि कितने पुराण ऋषि गए। आप जैसे देखिए अभी अभी अशोक जी ने बताया था कि जैसे भागवत में भी भूपदेव को कहा गया था, इस मेरे कथन के बाद ये स्पष्टीकरण देंगे, किस तरह से उन्होंने 4000 श्लोकों को और बढ़ाकर एक एक श्लोक में 4-4 श्लोक बनाकर उन्होंने व्याख्या की। जब व्याख्या की जाती है तो अपनी मान्यताएं थोपी जाती है, इस तरह से ग्रंथ बनते गए। महाभारत में देखिए इस समय 1,00,000 के लगभग श्लोक हैं, 1,00,000 से कुछ ज्यादा है गीता प्रेस से। वास्तविकता यह है कि विक्रमादित्य के समय इतने नहीं थे, भोज के समय में भी इतने 20-22 हज़ार से ज्यादा नहीं थे, उसके बाद श्लोक बढ़ाए गए हैं। अब महाभारत के एक कथन कहीं और है, एक कथन देखिए, एक जगह लिखा है कि श्री कृष्ण जी ने
पुत्र प्राप्ति के लिए 12 वर्ष तप किया और एक जगह लिखा है कि 6 महीने तप किया। महाभारत के कतनम विरोधाभास है, लिखने वालों ने यह नहीं सोचा कि हमारी बात कट जा रही, क्योंकि कोई बात किसी ने छोड़ी, कोई बात किसी ने छोड़ी। तो सनातन का तात्पर्य है जो मूल वेद संहिता कहती है वो अंतिम है, उससे मेल नहीं खाता है हमारी विचारधारा का, तो उसको सनातन की संज्ञा हम नहीं दे सकते। आप अपने विचार व्यक्त कीजिए, मेरा तो यह है। हाँ, आदरणीय हमारे स्वामी जी ने काफी कुछ साक्षात तो ठीक कहा, लेकिन जिस प्रकार कहा गया है कि ब्रह्म संहिता एक ग्रंथ है, ब्रह्मा जी ने उसमें कुछ बातें कही कि ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। ऐसी हम जब श्रीमद भागवत के पहले श्लोक पे जाते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति दिहि तव्यता पत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमा। तो अब जैसे ब्रह्मा जी ने कहा कि ईश्वर कृष्ण है, अब कृष्ण को जो हमने देखा, जो अपने को सबको अपनी ओर आकर्षित करता है वो कृष्ण है, और लोग वासुदेव कृष्ण मान रहे हैं। गोविंदम आदि पुरुषम तमम भजामि, आदि पुरुषम, वेदों में भगवान को आदि पुरुष बोला गया। वेद ठीक है, वेद व्यास जी जिनको हम संकलित कर्ता मानते हैं, और वेद को हम ज्ञान से समझते हैं, वेद का मतलब ज्ञान है, हमको ज्ञान है, सारी धाराएं उनसे निकली है, अंत में फिर जाकर उनको मिल जाएंगे। अगर वर्तमान में हम किसी भी पुराण पे या पुराण के अनुयायियों को हम पूर्णतया गलत कहते हैं फिर असंतोष आता है, मारो मत जाने दो। सारे विद्वानों ने मेरी लाइन सुनी, मारो मत जाने दो, अब मैं जानना चाहता हूं इसका अर्थ क्या हुआ। अगर किसी ने अपना मनमाना अर्थ निकाल लिया है तो केवल वही हमारे सारे धर्म को तो नहीं चलाएगा, हमको उसको अल्प ज्ञानी समझ कर अपने साथ रखना है और धीरे से उसको समझाना है। हम विरोध करेंगे फिर वो डबल विरोध करेगा। आज जिस संख्या में भागवत कथाएं चल रही हैं और जिस संख्या में उसके अनुयायी आ रहे हैं, फिर हम वहीं के वहीं पहुंच जाएंगे मतक्के में। तो हमको बीच का रास्ता ये निकालना है, जैसे किसी के पिता के अगर कोई पुत्र कुपथगामी हो गया है तो पिता एकदम से उसको बाहर नहीं करता, अंत तक समझाने का प्रयास करता है। उदाहरण के लिए मेरे पिताजी शिव भक्त हैं, मैं कृष्ण भक्त हूं, मैं गीता पढ़ता हूं, भागवत पढ़ता हूं, वेद भी पढ़ता हूं मैं, ठीक है। मेरा जो पुत्र है वो भी अब वेदों में पढ़ रहा है, तो एक ही परिवार में हम बहुत सारे लोग विचारधारा है, लेकिन अंत में सनातन का मतलब क्या है। जैसे हमारे हाथ में 5 उंगलियां अलग अल्प साइज हैं, हम ये क्यों नहीं मान लेते अल्प ज्ञानी है, थोड़ा सा पद भ्रष्ट है, अंतता है, तो हमारा सनातन धर्म का अंश ही। अगर हम उसके सामने कहते कि नहीं तो ये भागवत मत पढ़, तो शिव जी की पूजा मत कर, फिर वहीं आ गया कि आर्य समाज और आर्य समाज वेदों का समर्थक है और मूर्ति पूजा का विरोध करता है। आर्य समाज निरंतर घट रहा है, मूर्ति पूजा बढ़ रही है। तो कोई रास्ता तो हमें बीच का निकालना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग विद्वान है, हम सामंजस्य बिठाने के लिए बैठे, हमें सनातन को परिपक्व करना है। भटके हुए को कल हम अपने साथ ले आएंगे, लेकिन विरोधी को हम अपने साथ नहीं ला सकते, विरोधी तो हमारा और ध्रुव विरोधी होता ही चला जाएगा। तो इसलिए हमें इन सारे ग्रंथों में और सारी बातों में बीच में सामंजस्य बिठाना है। लिंग के भी कई अर्थ होते, शिवलिंग शालग्राम की पूजा नहीं है, ठीक है, लेकिन भगवान ने गीता में कहीं कहीं बोल दिया कि सूर्य भी मैं हूं, महेश भी मैं हूं, अंततः उनके सारे देवी देवता मेरे अंदर हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, उन्होंने तो बोल दिया मैं ही हूं जो कुछ। तो यहां ये तो नहीं कह सकते किसी गीता गलत है, हमें वेदों को भी वहीं रखना है, हमको गीता को भी रखना है, ठीक है। एक बड़े गंगा में से कोई छोटी नदी निकल गई और बीच में कोई दूषित उसका जल हो गया है, अंत जाके सागर में मिलेगा। तो हम कोई ऐसा रास्ता देखें कि जिसमें पुराण पढ़ने वाला भी हमारे साथ ही रहे और दूसरे उसका भी वो साथ रहे, और वो हम सनातन को वेदों को अपना पिता माने, वेदों को सारे ज्ञान का उद्गम माने। हमारी वाणी से ये ना हो कि उसमें गलत लिखा, क्योंकि हम कौन है सही करने वाले। आपने कह दिया किसी ने कि ग्रंथ तो अपना बनाया, उसने 12,000 में उसने इतने और जोड़ दिए, अब वो जोड़ने वाला कहां से है। अब गीता प्राइस आज की तारीख में प्रमाणिक है,
आज भी आपने जो किताब बैठी उसमें एक फिर मेरे को गीता प्रेस की उसमें किताब आई, दो आई। अगर हम एक ये सोचें कि कुछ, अब जैसे रामभद्राचार्य जी ने कुछ सुंदरकांड और चुपाइयों के में ऑब्जेक्शन कर दिया उन्होंने, अब उनके पास तर्क है अपना। अच्छा, हम ये कहते हैं कि गरीब नवाज शब्द आया इसमें, ख्वाजा गरीब नवाज 500 साल, तो हमको मालूम है तुलसीदास जी जगह ना उसमें मुसलमान थे यहाँ। अब गरीब नवाज तो अपने यहाँ है दिल्ली, वो भगवान उनको बोला है गरीब नवाज हूँ, कई जगह आया बोला है उन्होंने। तो ऐसा नहीं कि हम लोग भी नहीं समझ रहे, हम भी समझ रहे हैं, लेकिन आज अब 22 तारीख को राम जन्मभूमि का उद्घाटन होगा, जगह जगह सुंदरकांड और रामचरितमानस होना, और हम एक जगह उसे नकारें और इतने बड़े समाज से हम टकराए, तो हमें तो उन अपने भटके हुए लोगों को पुनः धीरे धीरे लेके आना है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम किसी को बहिष्कृत कर रहे हैं या अपमान कर रहे हैं, ऐसा करने का नहीं है। देखिए, कहने का मतलब ये है महाराज जी, एक छोटे से मैं बात जितना काटूं, अभी वर्णन आया सालिग्राम और शिवलिंग का, उसमें वो नहीं है वर्णन, ठीक है, ये हमारी ज्ञान की भाषा का वो है कि इसमें वर्णन नहीं, जब वर्णन नहीं है तो हम नहीं मान सकते। आज हम साई बाबा की पूजा का क्यों विरोध करते, क्योंकि हमारे शास्त्रों में नहीं है, छोटी सी बात है, सिंपल सी, हमने कह दिया साई साई का आप पूजा करते हो, आप इनका महिमा काय को कर रहे हैं ऑफिस में। मेरे कहने का मतलब ये है कि वेद कहते हैं कि परमात्मा एक है, तो हिंदू समाज लड़े नहीं ना, मैं तो लड़ाई बंद करने के लिए कह रहा हूं। वही तो हम कह रहे हैं कि वेद का पुत्र गीता है, उसका पोता रामचरितमानस है, हम तो ये कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं वेद रख, जो हमारा जो गीता पढ़ने वाला वो वेद भी रखे और वेद को पढ़ाने आप और हम जाएं। मेरे कहने का मतलब देखिए, अब ये वैष्णव भाई बंधु जो है शंकर जी का भोग प्रसाद कितने है? मैंने बचपन में देखा है, कोई प्रसाद लेने को राजी नहीं होता, आखिर एक ही हिंदू दूसरे की प्रसाद लेने को राजी नहीं। शंकर जी को मानने वाले, विष्णु भगवान को जो मानने वाले, जब लड़ पड़े तब तुलसीदास जी ने दोनों को मेल कराया, उन्होंने कहा कि शिवद्रोही मैं सपने नहीं पाए, और उनसे शंकर जी की भक्ति करा दी उनसे, तो दोनों को डर के मारे प्रेम से आना पड़ा, वो तो तुलसीदास जी की नीति काम में नहीं, तो ये आपस में ही लड़ करके मर जाते। मेरे कहने का मतलब है कि सांप्रदायिक मान्यताओं का हिंदू समाज टकरा रहा है, तो यदि वेदार्थ पर चलेगा, अंतरात्मा साझी करेगा, तो सांप्रदायिक विकृतियों के पीछे लड़ेगा नहीं। अब कुंभ के मेले में नहाने के पीछे कितनी मारपीट होती है कि हमारा अखाड़ा पहले चलेगा, अरे जब सन्यासी ही लड़ेगा डुबकी लगाने के लिए तो समाज किधर जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है, स्वामी जी ने बताया, आपने बताया, चूंकि जो जो हम संस्कृत को हमने छोड़ा, संस्कृत हमारी सामान्य भाषा या जनभाषा नहीं रही, और लोग संस्कृत जानते भी नहीं है, बहुत कम लोग हैं जो संस्कृत में संभाषण आदि करते हैं, तो हम वेदों से तो दूर हुए हुए, और वेदांत उपनिषदों से भी हम दूर हो गए, तो क्योंकि हमारा जो सनातन धर्म है तो सनातन के केंद्र में तो वेद ही है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा, अब जो हुआ जो तो हो गया, अब ज़्यादा से ज़्यादा जोर दे करके हमें वेदिक ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास हम करें। और जहां तक मैं सोचता हूं कि उपनिषद जो है वो छोटे छोटे होते हैं, उसमें कोई में 20 श्लोक है, कोई में 40 श्लोक है, तो उपनिषदों के माध्यम से हम वेदों का जो शीर्ष ज्ञान है, वेदों के केंद्र में उपनिषद है, तो उपनिषदों को हम अगर जन जन तक पहुँचाने का या उसके प्रचार प्रसार का करें, तो धीरे 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 जो ये झगड़ा है मत मतांतर का, जो ये एक दूसरे पे हमारा शिव पुराण बढ़ा रहा, हमारा विष्णु पुराण बढ़ा रहा, हमारा गणपति बढ़ा, तो इससे हम बचा पाएंगे, एक संस्कृति भी हमारा मत एक हो पाएगा। सवाल, प्रश्न तो सनातन है ना, सनातन क्या, प्रश्न तो वहाँ, प्रश्न तो वही आया ना लौट के, हम सनातन से सनातन को हम जब ही समझ पाएंगे ना, जब हम वेदों की ओर चलेंगे, तो क्योंकि तात्पर्य तो वहां से निकलेगा। सरल समाधान ये कर सकते हैं, जो वेदानुकूल है सनातन है, हम कितना समझते हैं हमारे ऊपर, बस इसको, क्योंकि आगे भी प्रश्न है, हमें थोड़ा थोड़ा निकालना पड़ेगा। हाँ, पहला ये भी, दूसरा बता दो, उसे बता दो, कुछ कहना चाहता हूँ। आदरणीय एक बड़ी बात कही है, मारो मत जाने दो, मारो के बाद अगर कौमा लगा देंगे तो मत जाने दो, मारो मत जाने दो, या पकड़ो मत जाने दो, और अगर पकड़ो मत के बाद कौमा लगा देंगे, या मारो मत के बाद कौमा लगा देंगे, मारो मत जाने दो,
अर्थी बदल। अब यहाँ क्या हुआ है, वेदों के ऊपर इतनी टीकाएं आ गई हैं, गीता के ऊपर कम से कम भी इस समय 700 टीका उपलब्ध है। हर इंसान ने अपने अपने विचार लिखे हैं उसमें। जैसे हम भगवान को भोग लगाने जाए ना, तो आदमी भगवान की वो नहीं देखता कि उसकी इच्छा क्या है, वो देखता कि मेरी इच्छा क्या है। वही चीज भगवान को भोग लगाता कि वही चीज भगवान को पसंद है, वो तो खाएगा नहीं, खानी तो मुझे। भावना की बात कर रहा हूं। और आपने भी वही बात कह दी कि मूल स्रोत वेद हैं, हम वेदों की तरफ लौटें, हमें लौटना चाहिए। स्वामी जी ने कहा वेदों की अंतिम वाक्य है वेद, और ये वास्तव में अंतिम वाक्य ही है अगर समझे हम तो। सारे के सारे जो इस समय संप्रदाय निकले हैं, उन्होंने वेदों की अलग अलग व्याख्या कर दी है। आज सूत्रों में मैंने ये बात कही भी थी कि कुरान जो है लिखा गया, कुरान, कु मैंने आकाश, रान मैंने उतरी हुई वाणी, आकाश से उतरी हुई वाणी। अब भविष्य पुराण में भी एक वर्णन आता है कि महामद नाम का एक व्यक्ति होगा रेगिस्तान में, वो सारा उसका वर्णन दे दिया। अब कुरान में जो पहली सूरा है, पहली सूरा सूरे अल फातिहा, वो ऋग्वेद से ली गई है, गायत्री मंत्र से ली गई है, अल्लाह शब्द तक वहां से लिया गया है। अल इल्या, अल यानी विशेष रूप से, इल्या मैंने पूछनी है, वो भी ऋग्वेद से लिया गया है। सारे के सारे सेक्ट जो निकल रहे हैं ना, धाराएं, आपने जैसे अभी कहा कि वो शाखाएं निकल के, नदियां निकल निकल के इधर उधर हो गई हैं, इससे क्या मतभेद पैदा हो गया और मनभेद भी पैदा हो गया। स्वामी जी का कथन है कि हम आपस में एक सूत्र में बंध कर एक को मानना शुरू करें, जब ईश्वर एक है और उधर से वो कह देते हैं अल्लाह एक है, तो फिर अल्लाह और ईश्वर उनका भी एक तो हमारा भी एक, तो दो अलग अलग कैसे हो गए? दो चीजें अलग अलग नहीं हो सकती ना, एक तो एक ही रहेगा ना, अगर उसको काटेंगे तो दो हो जाएंगे, चार हो जाएंगे, वो नहीं काटते। मेरे कहने का से है, देखिए एक वैष्णव संप्रदाय में कितने झगड़े हैं, राम को मानने वाले कृष्ण की निंदा करते हैं, इनमें आपस में न जाने कितने ग्रंथ लिख दिए गए हैं एक दूसरे की निंदा में। वैष्णव वैष्णव से मेल नहीं रखता, इससे दुखद क्या बात है? देखिए स्वामी जी, जब एक पिता के चार पुत्रों में एका नहीं है, हम आप तो फिर बाहर के आके बैठते, ये तो कली का प्रभाव है, ठीक है, ये कहीं जाने वाला नहीं है। हमें तो इसमें से रास्ता ही निकालना। आपने वेद कहा, मैंने कहा कि वेद पिता हो गए हमारे, गीता पुत्र हो गई, झगड़ा हो गया, खत्म। अब पिता कहे मैं पुत्र को मानूंगा ही नहीं गीता को, तो मैं तैयार नहीं हूंगा, मुझे भी तैयार करना, आपको भी रखना, इन्हें भी रखना। हमने आजकल गठबंधन की सरकार चल रही है, मुखिया सही होना चाहिए, वो सही करके ले जाएगा। देखिए हम और आप मिलके इसको समाज से ही तो हजारों वर्षों झगड़ा चला रहा है, हम इस मतके को नहीं खत्म, हाँ इसका हम समन कर सकते, हम समन कर सकते। मुझे बुलाया वहां से, मैं तो नहीं जानता था आपको, मैं आपको भी नहीं जानता, आपको भी आपने मिलाया ना, मिल गए ना, हम यही काम करें, मंथन करेंगे तो बस निकलेगा कुछ ना कुछ। अब विष भी निकला, अमृत भी निकला उसमें। एक बात और कहता हूँ, बिल्कुल कही स्वामी जी ने भी बताई भी। जी जी बता। एक बात और कहता हूँ कि हरिद्वार में जी जी काफी अरसा ये झगड़ा चलता रहा, कई सौ साल चलता रहा। क्या कि इसका नाम हरिद्वार है या हरिद्वार? हरिद्वार, हाँ बिल्कुल। मुकदमेबाजी भी हो गई और होने के बाद जिन्होंने मुकदमा किया वो भी मर गए, वकील भी मर गए, सुनने वाले जज भी मर गए, और फैसला आज तक वहीं का वहीं खड़ा है। उन्होंने स्टेशन पे इंग्लिश में कर दिया हरिद्वार और वैसे कर दिया हरिद्वार, हरिद्वार और हरिद्वार। वहां संत सम्मेलन चल रहा था, सब यही सवाल आया। मैंने कहा हरी में तो हर ऑलरेडी है, हरी हर का ही द्वार, तो मैंने बोला था कि हरिद्वार में हर तो पहले आ रहा है, ई तो बाद में जुड़ रही है, वही शब और शिव। शब और शिव, खैर वो तो चले, अगला प्रश्न आप पूछिए।